हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय होम। तो आज की जो वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप अपना हाउस टूर कराइए। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपना हाउस टूर करा ही दे। मैं रहती हूँ ऊपर वाले रूम में, तो ऊपर जाने के लिए साइड से जीने दिए हुआ है। तो यहाँ पे सामने एक छोटा सा गेट है जो कि पहले कुत्ते बहुत परेशान करते थे, अभी जब से गेट लगा हुआ है तो ठीक है। अब कुत्ते नहीं जा पाते हैं, लेकिन खुला रह जाता है ना तो भी वो मेन दरवाजे तक खबर ले लेते हैं। और यहाँ पे साइड में रखी हुई है साइकिल और एक बाइक है, और साइड में एक दरवाज़ा दिया हुआ है जो कि नीचे वाले रूम का है, ये जाली जो दिख रही है। और साइड में रखी हुई है चारपाई। तो अभी बारिश का सीजन था तो मैंने चारपाई यहीं साइड में लगा दिया है, और इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा नहीं पड़ती है। ज़्यादा क्या, ठंडियों में ज़रूरत पड़ती है तो ठंडियों में फिर ऊपर रख लेते हैं। जब छत की सीढ़ियाँ बन रही थी ना तो जीना गंदा हो गया है। तो अभी दीपावली आ रही है, दीपावली में तो पेंट कराते ही हैं, तो दीपावली में पेंट हो जाएगा। तो अभी ये सामने से बादाम का पेड़ दिख रहा है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी फिर कभी मौका लगेगा। और ये है मेरा मेन गेट, और ये है सीढ़ियाँ जो कि छत पे जाती हैं। अभी कुछ दिन हुए हैं बने, इस तरह से ऊपर का छत काट के फिर बनाया गया था, नहीं तो जो छोटी सी बालकनी है ना तो हम लोग उसी में अपना गुजारा करते थे। जैसे हम गेट के अंदर घुसते हैं वैसे ही ये सामने एक पेंटिंग बनी हुई है, और ये पेंटिंग है आर्टिफिशियल, हाथ की बनी हुई नहीं है, और उसके ऊपर लगी है ट्यूबलाइट, और बगल में ही है बालकनी का दरवाजा। ये बाईं तरफ रखी हुई है बड़ी सी टेबल, इसके ऊपर है मेरे किचन का फैन, और बगल में ही रखा हुआ है ये स्टील का डब्बा है, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, और फिर रखी हुई है मेरी दवाई, और यहाँ पे कुछ कुछ काम की चीज़ें हैं जो कि प्रेस है, और इनकी बुक कॉपी है, इनको जो सुबह काम लगता है वही सब हैं। और ऊपर ये वायर जो दिख रहा है ये इन्वर्टर का वायर इसे गया है, और ऊपर एक सीनरी लगी है, और बगल में है बल्ब, और फिर साइड में है घड़ी, और ये है मेन दरवाज़ा जिससे हम अंदर आते हैं। और अब चलते हैं हॉल में। तो हाल में जैसे ही आएंगे वैसे सामने रखी हुई है वॉशिंग मशीन, और इसके बगल में है मेरा किचन जो कि आप लोग हमेशा देखते हो, मैं हमेशा इसी में आप लोग को मिलती हूँ, तो ऐसे है ये। और किचन में अभी थोड़ा अंधेरा है क्योंकि बल्ब जो है ना साइड में लगा है, जला देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाती है और वीडियो फिर समझ में नहीं आता है। और तो वॉशिंग मशीन के बगल में है ये रैक, यहाँ पे रखी हुई है बुक, और साइड में है बोर्ड, उसके ऊपर मैंने एक बोर्ड और बगल में लगवाया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए। तो हमेशा वॉशिंग मशीन चलती नहीं है तो मैं उसमें जो है मोबाइल वगैरह ये सब जो है इसमें चार्ज करती रहती हूँ। और उसके ऊपर लगा है वाईफाई का बोर्ड, और ये बगल में उसके लगा है वाईफाई, उसके ऊपर बल्ब का दिया हुआ है लेकिन बल्ब इसमें नहीं लगा है, कनेक्शन हटा दिए हैं बल्ब वाला, और यही किचन में ले जाके आरओ में सेट कर दिए हैं। तो इस तरह से है, उधर वाईफाई का वायर आया है इधर पीछे की साइड से, और यहाँ वॉशिंग मशीन पे रखी रहती है मोबाइल रखी रहती है जो कि चार्ज करने वाली रहती है, तो यहाँ पे रख देते हैं। और आते जाते मैं यहाँ से इसको लगा देती हूँ, और ये इस रैक के ऊपर रखी हुई है एक टोकरी, तो टोकरी में मैं इस तरह से रखती हूँ। देखिए जो चार्जर हमारे होते हैं तो सबको ऐसे रख देती हूँ मैं, और यहीं पे चार्ज करना होता है तो हमें आसानी से मिल जाता है।
और यहाँ पे मेरा एक रखा हुआ है सेल्फी स्टिक, तो इससे ही ज़्यादा मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये कहीं भी सेट हो जाता है। और ये रखे हुए हैं ईयरफोन, तो ये सबको भी मैं भर के टोकरी में ऐसे रख देती हूँ क्योंकि हमेशा ज़रूरत लगती नहीं है और फैला रहता है। और यहाँ पे पेन बॉक्स रखा हुआ है, और ये है बॉल जिसमें सिक्के पैसे होते हैं, ये कहीं से भी आते हैं मार्केट वगैरह से, तो जो इनके पैंट में सिक्के पैसे रहते हैं उसमें डाल देते हैं। और ये साइड नीचे की साइड देख रहे हैं, इसको मैंने बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना, इसमें लगानी पड़ेगी हमें पुट्टी। और नीचे मैं सिलौटी रख दी हूँ जो कि मेरा नहीं है, इसको हमें देना है। और मेरा जब मिक्सर का जार ख़राब हो गया था तो मैं लेके आई थी इसको चटनी उटनी बनाने के लिए। और टॉयलेट के साइड में भी पर्दा लगा हुआ है, और पीछे वाला जो रूम है उसमें भी पर्दे हैं, तो दोनों मैंने एक ही कलर के पर्दे लगा रखे हैं, इस तरह से तो देखने में अच्छा लगता है। नीचे एक बोर्ड दिया है, यहाँ भी मैं बैठ के कभी कभी मिक्सर वगैरह चलाती हूँ, वीडियो में आप लोग देखे ही हूँ। फ्रेम लगी हुई है, तो उसके ऊपर में ये लोग जो है अपना मास्क टंगाते हैं, और फिर ऊपर लगी है एक सीनरी। और जो हॉल का दरवाज़ा है और डबल बेड का दरवाज़ा है, तो मैंने यहाँ भी पर्दे लगा रखी हूँ, तीन का सेट है, तो इधर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं दरवाजे के बाहर से नहीं लगाई हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, दरवाज़ा बंद करना होता है ना तो बार बार पर्दा हटाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे ना इकट्ठा ही तीनों लगा दी, और देखने में भी अच्छा लगता है। और तो किचन का पर्दा और ये जो हॉल का पर्दा है, तो ये इस तरह का दिखता है, तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम चारों तरफ से जब पर्दा लगा देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर अब चलते हैं बेडरूम में, तो यहाँ पे सामने रखा हुआ है कूलर। अभी कूलर मैं कुछ दिन पहले बालकनी में रख दी थी, गर्मी अभी बहुत ज़्यादा होने लगी है तो फिर से अंदर रख ली हूँ। यहाँ पे बच्चों का रखा हुआ है चार्ट पेपर, और कूलर का रखा हुआ है वायर। ये है मेरी दवा जो कि अभी मैं खा रही हूँ। और फिर और जो ये दरवाज़ा है ये बालकनी में जाता है, तो यहाँ भी मैं पर्दे लगा दी हूँ, सामने जो है रूम है तो दिखता है। ठंडियों में जब हम लोग इधर बैठते हैं ना, तो दूसरी टाइम इधर से धूप आती है तो जालियां खोल लेते हैं, तो बाहर देखने में बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी थोड़ी धूप भी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, ये सामने से हरा भरा दिखता है कुछ इस तरह से। और दाहिनी तरफ हमारे ये है ड्रेसिंग टेबल जो कि आप लोग देख ही चुके हैं, तो इस तरह। और इस बेड के नीचे मैंने रखा है बॉक्स जो कि इसमें मैं बर्तन रखती हूँ। बगल में ही खिड़की है बड़ी सी, तो यहाँ भी पर्दे लगे हैं। और ये साइड में हैंगर है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं। और इसके बगल में ही एक अलमारी है बड़ी सी, और ऊपर जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है ना, सूटकेस वगैरह, तो वैसे ही उस पर रख दी हूँ जो कि हमें कभी उतारना ही नहीं होता है, जब सीट किए तभी से रखा हुआ है। और अलमारी के ही बगल में है एक बोर्ड जिस पे बच्चे अपना पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं इस तरह से। और बेड के ही बगल में मैं रखी हूँ डमरू, तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो उस पे अपना पानी का बॉटल या बुक्स वगैरह जो होती है तो साइड में रख लेते हैं। सिराहने के ऊपर ही एक सीनरी लगी हुई है, और उसके ऊपर हैं गणेश भगवान। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पे हैं कुछ टेडी बियर जो कि गुड़िया के लिए हैं, तो अभी नहीं खेलती है, अभी चल रही है पढ़ाई उसकी, तो अभी नहीं लेती है, अभी पढ़ाई में बिजी है।
आप लोग पूछें उससे पहले ही मैं बता देती हूँ कि ड्रेसिंग टेबल के नीचे मैंने पटा क्यों लगा के रखा है, क्योंकि बालकनी जो मैंने अभी दिखाया है ना, इधर से जब तेज़ बारिश होती है हवा के साथ में तो पानी आ जाता है, तो मैंने इसीलिए ड्रेसिंग टेबल के नीचे पानी से बचने के लिए ना मैंने पटा रख दिया है। और फिर अब चलते हैं पीछे वाले। जैसे ही हम गेट के अंदर घुसेंगे, साइड में है स्टडी टेबल जो कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, और दाहिनी तरफ है मेरा छोटू सा प्यारा सा मंदिर, तो इसमें है भगवान जी, और उसके नीचे जगह थी तो मैंने अपना स्टैंड रख दिया है, लाइट वाला जो स्टैंड है इसका हमें कभी कभी काम लगता है। और एकदम सामने पे कांच लगा है, और फिर है दीवान, तो ये है बच्चों का स्टडी टेबल जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। और ये देखिए दीवार में क्या बना के रखे हैं, तो वो लोग अपने खुद से बनाए थे। और यहाँ पे देखिए इसमें भी एक अलमारी है, और मेरा एक ट्रायपॉड है जो कि मैंने उसमें कील में टंगा के रखी हूँ, और ये है चेयर जिस पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, उसके ऊपर है एक हैंगर, और टोपी टंगी हुई है बच्चों के स्कूल के ड्रेस मैं यहाँ पे टंगाती हूँ इस तरह। और इस अलमारी में मैं डेली के कपड़े रखती हूँ जो हमें डेली पहनना रहता है, मुझे मेरे बच्चे के, तो हम चारों के कपड़े डेली वाले इसी अलमारी में रहते हैं, हम गोदरेज में नए कपड़े रखते हैं। इसके ऊपर देखिए जगह थी तो जो हमारी काम की चीज़ें नहीं थी, फिल्टर वगैरह, तो उसको भी रख दी हूँ, कभी उतारना ही नहीं होगा, हमें लगता है कि जब हम फिर से जाएंगे ट्रांसफ़र होगा तभी हम उसको लेके जाएंगे। और देखिए रहा मेरा दीवान, तो दीवान के साइड में ही है बड़ी सी खिड़की, तो उसमें भी मैंने पर्दे लगा के रखे हैं, क्योंकि चारों तरफ से क्वार्टर हैं तो बिना पर्दे का हम नहीं रह सकते हैं। और फिर इधर दीवान के ही साइड में है मंदिर के बगल में मेरी गोदरेज, 3 डोर की गोदरेज है, बहुत बड़ी है, ये वीडियो में थोड़ा छोटी दिख रही है, तो इस तरह से है। इसके ऊपर भी मैं कुछ कुछ सामान रखी हूँ, उसको भी मैं ढक के रखी हूँ। और आज की अगर मेरा होम टूर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।